उत्तर प्रदेश हो या देश विदेश, लाइफ स्टाइल हो या मनोरंजन जगत, हर खबर सबसे पहले पहुंचेगी आप तक। प्ले स्टोर से डाउनलोड करें हमारे मोबाइल ऐप अलाइव 24 न्यूज को। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ मनु तिवारी। आइए रुक करते हैं देश विदेश की कुछ बड़ी खबरों पर। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 52,123 नए मामले सामने आए, 775 की मौत। दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद के आसपास के क्षेत्रों में भारत मौसम विभाग का अलर्ट। सिलीगुड़ी के घोषपुर बाईपास पर देर रात तेज रफ्तार डंपर की चपेट में आने से 35 वर्षीय व्यक्ति की मौत। दिल्ली के शाहदरा इलाके में बदमाशों ने तपंजे के बल पर स्कूटी सवार शख्स को लूटा। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने विधानसभा सत्र को 14 अगस्त से बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। राजस्थान विधानसभा स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी। बिहार में कोविड-19 के 2,328 नए मरीज मिलने के बाद राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 46,000 के करीब पहुंची। तेलंगाना में कोरोना के 1,811 नए केस, 13 की मौत। देश में 29 जुलाई तक कोरोना के 1,81,90,382 सैंपल्स की हुई जांच। सुशांत सिंह मामले की स्वतंत्र एजेंसी या SIT से जांच के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दाखिल। पश्चिम बंगाल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सोमेन मिश्रा का हुआ निधन। उत्तर प्रदेश में 17 IAS, 15 सीनियर PCS अफसरों के हुए तबादले। CM गहलोत के भाई को ED का समन, 4 अगस्त को पेश होने का आदेश। राष्ट्रीय राजमार्ग 30 जबलपुर रोड पर पिकअप वाहन और मिनी ट्रक में हुई टक्कर, हादसे में पिकअप वाहन में सवार 3 और मिनी ट्रक में सवार 1 व्यक्ति की मौत। अमेरिका में कोरोना वायरस के कारण पिछले 24 घंटों में 1,267 लोगों की मौत। मराठी एक्टर आशुतोष भाकरे ने किया सुसाइड, घर में फांसी लगाकर दी जान। सुब्रमण्यम स्वामी ने सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड को बताया मर्डर। नेपोटिज्म से गर्लफ्रेंड पर शिफ्ट हुआ सुशांत, सुसाइड केस अब CBI के जरिए सियासत। एयरटेल को 15,933 करोड़ का घाटा, AGR प्रोविजिंग की वजह से शेयर में उछाल। अब तक इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अलाइव 24 न्यूज। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे चैनल अलाइव 24 न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।